हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्ष शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एलबी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिससे आपके बोर्ड एग्जाम के प्रश्न पत्र की स्टार्टिंग होती है, कि शुरुआत होती है, और शुरुआत में ही एग्जामिनर आपसे 15 नंबर का एक ऐसा प्रश्न पूछता है जो वास्तव में कभी आपको पढ़ाया ही नहीं जाता है, और उसका नाम ही होता है अनसीन पैसेज, यानी ऐसा पैसेज जिसको आपने आज तक देखा ही नहीं। ऐसे अनसीन पैसेज को जिसको हमने कभी पढ़ा ही नहीं, उस पैसेज से हमें 15 नंबर गेन करने के लिए किस तरह की टेक्निक और ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, सीखते हैं आज के सेशन में। स्टूडेंट, अनसीन पैसेज एक ऐसा पैसेज होता है जहां पर आपको तीन चार पैराग्राफ दे दिए जाते हैं, या किसी एक पैसेज में तीन चार पैराग्राफ दे दिए जाते हैं जहां से आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और इसके लिए हमारे स्टूडेंट्स, हमारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि पहले उस अनसीन पैसेज को पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रश्न की स्टार्टिंग में वो इंट्रक्शन देता है, रीड द केयरफुली इन दिस पैसेज, रीड द केयरफुली पैसेज, जिससे कि उस बच्चे का ज्यादा से ज्यादा समय खर्च हो जाता है। और उस पैसेज को हिंदी में समझने के लिए, उसका हिंदी अर्थ निकालने के लिए एक अच्छे वर्ड पावर की आवश्यकता होती है। वर्ड पावर के बिना उसका पैसेज का अर्थ नहीं समझ सकते। आज के सेशन में हम आपको ये बताने वाले हैं कि यदि हमारा वर्ड पावर कमजोर है तो हम कैसे उस पैसेज से अपने प्रश्नों के उत्तर को निकालेंगे और कितनी आसानी से हम उनके उत्तर दे सकते हैं। ये पैसेज एग्जामिनर ये चेक करने की कोशिश करता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कितनी पकड़ है और कंप्रिहेंसिव आप कैसे आंसर्स दे सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में शुरू करते हैं अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का तरीका और ट्रिक्स। अगर हम बात करें अनसीन पैसेज के ट्रिक्स और तरीकों की, तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट हैं छोटे छोटे, उनको ध्यान में रखना है और उसके बाद ही हमको इस पोर्शंस को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो ट्रिक्स। सबसे पहले तो आपको अनसीन पैसेज को याद नहीं करना। जब आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, आप लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ये सब चीज़ें तैयार करते हैं, आर्टिकल्स तैयार करते हैं, राइटिंग तैयार करते हैं, तो वैसे ही आप क्वेश्चन या इजी नोट्स में दी हुई अनसीन पैसेज को भी आप कुछ आंसर रटने का प्रयास करने लगते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आज के जो 15 नंबर्स आपको मिलने वाले हैं वो बिना मेहनत के मिलने वाले हैं, और आपको सिर्फ छोटी सी ट्रिक्स को समझकर वो 15 नंबर गेन करने हैं। तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी अनसीन पैसेज को याद नहीं करना है, किसी तरीके की नोट से या उसको आपको सीखने की या उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ट्रिक्स होती है पैसेज से पहले प्रश्न को पढ़ो। जब आपको पैसेज मिलता है, जैसे प्रश्न पत्र मिलता है और पहला ही क्वेश्चन शो होता है, तो वहां पे आप उसको पढ़ने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। अनसीन पैसेज जो भी आपको दिया गया है उसको पहले आपको नहीं पढ़ना है, पहले आपको पढ़ना है उस पैसेज से दिए हुए प्रश्न, और उन प्रश्नों को अच्छे से समझना है कि वास्तव में यह प्रश्न क्या पूछ रहा है। दूसरी चीज, तीसरी चीज है पैसेज पढ़ते समय इन प्रश्न में दिए गए लीड वर्ड सेलेक्ट कर लें। और जब आप पैसेज को पढ़ रहे हो या क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, तो उस समय उस क्वेश्चंस में जो मुख्य शब्द दिए गए हैं, जो लीड्स वर्ड दिए गए हैं, उनको आप सिलेक्ट करें। ठीक, इतना जरूर याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं या आप पैसेज को वन टाइम टू टाइम रीड कर रहे हैं, तो उसमें जो लीड्स वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उनको आपको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है कि पैसेज का हिंदी अनुवाद करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। मैंने पहले ही बताया कि आप अपने पैसेज को हिंदी में अनुवाद करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। उस पर समय खर्च करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रीसियस टाइम आपका खराब हो जाएगा, जो बहुत ही कीमती समय आपका होता है एग्जाम के समय में। अगर उससे आप उस पैसेज की, बड़े से पोर्शन के पैसेज की हिंदी को निकालने में, अनुवाद करने में अगर आप व्यर्थ कर देंगे, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगा। तो आपको बिल्कुल भी उसका हिंदी ट्रांसलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, उसका आप प्रयास नहीं करेंगे। अनसीन पैसेज में दिए गए प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, और सबसे बड़ी चीज है कि आप बड़े से पैसेज को देखकर आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपका वर्ड पावर नहीं है, तब भी आपको इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करना है, और कैसे उसके आंसर देना है ये हम अभी आपको बता देते हैं। लीड्स वर्ड्स के अनुसार ही आंसर लिखना है। अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, पैसेज बिल्कुल ऊपर से जा रहा है, सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप बिल्कुल वर्ड पावर आपके पास जीरो है, आप अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आपको मैंने पहले बताया कि आपको उन लीड्स वर्ड्स को सिलेक्ट करना है जो क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, और वही लीड्स वर्ड्स आपको पैसेज में सर्च करने हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिख देना है। ध्यान रखिएगा कुछ ट्रिक्स हैं, इनको भूलने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज, कभी भी अनसीन पैसेज को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, पैसेज से पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है। ध्यान रखिएगा,
पैसेज पढ़ने से पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और अच्छे से उसका अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये समझना बहुत अनिवार्य है अगर हमें उसका उत्तर देना है। और प्रश्न पढ़ते समय आपको उस क्वेश्चंस में, उस प्रश्न में आए हुए लीड्स वर्ड को सिलेक्ट कर लेना है कि इसमें मुख्य शब्द क्या है, किसके बारे में ये हमसे कुछ प्रश्न कर किया जा रहा है और हमें इसका उत्तर देना है। वही लीड्स वर्ड्स आप पैसेज में भी सर्च करेंगे और वहीं से आपका उत्तर निकलने लगेगा। एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब आपसे तीन चार पैराग्राफ में या आपको एक बड़े से पैसेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मोस्टली जो पहला आपका क्वेश्चन होता है उसका आंसर भी आपको पहले ही पैराग्राफ से मिल जाता है। दूसरा क्वेश्चन होता है मोस्टली वो दूसरे पैराग्राफ से मिल जाता है। इस तरह जैसे जैसे आपके क्वेश्चन बढ़ते हैं वैसे वैसे ही आपके आंसर जो है वैसे ही पैराग्राफ में आपको मिलते चले जाते हैं। ये स्वाभाविक होता है, क्वेश्चंस के आंसर लगभग ऐसे ही निकलते हैं। खैर वो तो एक औपचारिक बात हो गई, लेकिन हमें ध्यान ही रखना है कि हमारा लीड्स वर्ड्स किस पैराग्राफ में आता है और हर प्रश्न के लिए पूरे पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए एनी टिक्स एंड ट्रिक्स पर हम देखते हैं और प्रयास करते हैं अपने एक अनसीन पैसेज को देखकर उस पर आधारित प्रश्नों को निकालने का। ये आपका एक अनसीन पैसेज है, हम दिखा देते हैं आपको कि ये कई सारे पैराग्राफ में आपका अनसीन पैसेज है। ये लगभग आपका चार पैराग्राफ में अनसीन पैसेज है और इस चार पैराग्राफ के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये आपका अनसीन पैसेज हुआ और यहीं पर आपसे इसी पैराग्राफ पे आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। चलिए तो सबसे पहले जब हम अनसीन पैसेज से प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने प्रश्नों को पढ़ना है और प्रश्न पढ़ने के बाद हमें पैसेज पे। सबसे पहले हम दो प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि व्हाट डज आर्टिकल 48A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट्स नॉन एनफोर्समेंट। प्रश्न करता है कि व्हाट डज आर्टिकल 48A, जो आर्टिकल 48A है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारतीय संविधान में, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, उसका क्या प्रावधान है, अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A क्या प्रावधान करता है यानी क्या नियम बतलाता है। और उसी में आगे पूछता है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ नॉन इन्फोर्समेंट, अगर इसे लागू ना किया जाए तो इसके क्या परिणाम होने वाले हैं। चलिए इसमें मैं देख लेता हूं आर्टिकल 48A, ये मेरा लीड्स वर्ड्स, आर्टिकल 48A एंड नॉन इन्फोर्समेंट, ये दो वर्ड्स हमें याद रखने हैं और इसी को हमें अपने पैसेज में सर्च करना है। तो प्रश्न हमने अच्छे से पढ़ लिया, समझने का भी प्रयास कर लिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 48A जो हमारा आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो हमें क्या प्रावधान देता है और इसके ना लागू करने के क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या रिजल्ट हो सकता है। ये भी दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि हाउ डिड द पॉपुलेशन ऑफ मैनकाइंड ग्रो फ्रॉम द ईयर 1800 टिल टुडे एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग सोसाइटी। हाउ डिड द पॉपुलेशन ऑफ मैनकाइंड यानी मनुष्यों की जो जनसंख्या है, मानवों की जो जनसंख्या है, ग्रोइंग फ्रॉम, बढ़ती है फ्रॉम द ईयर 1800 टिल टुडे यानी 18वीं शताब्दी से लेके 1800 शताब्दी ईयर से लेके आज तक कैसे जो है मैनकाइंड यानी मानव की जनसंख्या बढ़ी एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग सोसाइटी और किस तरह से इसने हमारे समाज को प्रभावित किया। ये दो क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। चलिए अब इन्हीं दोनों क्वेश्चन के आंसर में हमने जो लीड वर्ड्स उठाए हैं आर्टिकल 48A एंड नॉन इन्फोर्समेंट, तो इसको हम अपने पैसेज में देखने का प्रयास करते हैं। और पैसेज पहला क्वेश्चन हम अपने पहले पैसेज में देखते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत में ही आपको लीड्स वर्ड्स टैली कर रहा है, मिल रहा है आपका आर्टिकल 48A। कहते हैं कि आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। सीधे सीधे से बात है, हमारे उत्तर का जवाब हमें पहली ही लाइन से मिलना शुरू हो गया है क्योंकि हमने अपना लीड वर्ड्स यहाँ पे सर्च कर लिया है आर्टिकल 48A। ठीक है,
सीधी सी बात है, बोल रहा है कि आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A प्रोवाइड करता है, हमें देता है, एक प्रावधान देता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट, हमारे पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए और इसे और उत्तम बनाने के लिए, एंड सेफ गार्ड उसकी सुरक्षा करने के लिए, द फॉरेस्ट जंगलों को बचाया जाना चाहिए, एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री और इस देश का जो वन्य जीव जंतु जीवन है उसको भी हमें बचाना चाहिए या उसको हमें बचाए रखना है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस 48 आर्टिकल्स में दिया गया है कि हमें अपने पर्यावरण और वन्य जीवों को सेफ रखने के लिए हमें इस अनुच्छेद का पालन करना पड़ेगा। तो ये आपका जो है आंसर फर्स्ट हो गया। अच्छा एक चीज और, यहां पर आपने अपनी लीड्स वर्ड्स को देखते हुए आंसर्स को सर्च कर लिया और आसानी से आप इसको कॉपी करके अपना आंसर लिख भी सकते हैं, लेकिन एक अनसीन पैसेज में आंसर देते समय हमको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमको उस लीड वर्ड से संबंधित जो हमारे मन में जानकारी है उसके विषय में हम जो जानते हैं वो भी हम अपने उत्तर में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अनसीन पैसेज का जो आंसर होता है वो अपने कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज पर, अपने विवेक पर निर्भर करता है और इसका उत्तर हो सकता है कि सभी विद्यार्थियों के द्वारा अलग अलग हो और अपनी अपनी भाषा में हो। तो हमें अपने प्रश्न का उत्तर, ये आपका जो पैसेज दिया गया है ये मात्र आपकी हेल्प के लिए दिया गया है कि आप इससे जो है अगर उस तथ्य के बारे में नहीं जानते हैं कुछ तो आप यहाँ से उत्तर दे सकते हैं, लेकिन यह इसके साथ साथ अपनी शब्दावली में भी आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं अपने इस पोर्शन में। चलिए ये था हमारा पहला आंसर। अब इसको आप अपने ढंग से लिखना चाहें तो आप अपने ढंग से लिख सकते हैं, आप यहां से डिट्टो कॉपी करना चाहें तो आप यहां से, आपको सीधा सीधा आंसर यहां पे मिल चुका है और यहां से आप सीधा सीधा आंसर भी दे सकते हैं। केवल क्या किया आपने, यहां पे आपने क्वेश्चन में मिले हुए लीड वर्ड्स को उठाया और पैसेज में दिए हुए लीड वर्ड्स को मैच किया और वहीं से आपका आंसर यहां पर जनरेट हो गया। चलिए हम इसी क्रम में अपना पहला क्वेश्चन हमने यहां पे देखा और पहले क्वेश्चन का हम आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज आर्टिकल 48 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, मुझे अपने पैसेज के पहले ही पैराग्राफ पे मिल गया और हम इसका उत्तर बिल्कुल सेम टू सेम अपने पैराग्राफ के हिसाब से देते हैं कि आर्टिकल 48 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द गवर्नमेंट टू द प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, यानी हमारा जो 48A आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी सरकार के द्वारा वो प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए हमारे एनवायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसे इम्प्रूव करने के लिए हम उसमें करने का उसमें प्रावधान है, एंड सेफ गार्ड ऑफ द फॉरेस्ट और जंगलों की सुरक्षा के लिए, जंगलों को बचाने के लिए भी जो है इसका प्रावधान किया गया है, एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री और देश का जो वन्य जीव जीवन है उसको बचाने के लिए, उसको भी सेफ करने के लिए इस अनुच्छेद में प्रावधान मिलता है। अब देखते हैं अपना दूसरा सेक्शन इस क्वेश्चंस का कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट्स नॉन इन्फोर्समेंट, अगर इसे लागू ना किया गया तो इसके क्या परिणाम होंगे। चलिए खैर मैं यहां पर एक लाइन का आंसर इसमें दे देता हूं, द रिजल्ट ऑफ इट नॉन इन्फोर्मेंस इट दैट द फॉरेस्ट ऑफ कंट्री आर डिप्लीटिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। अगर रिजल्ट जो होगा इसे ना लागू करने का जो परिणाम होगा कि द फॉरेस्ट ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के जो जंगल हैं आर डिप्लेटिंग, नष्ट हो जाएंगे वेरी फास्ट रेट, बड़ी ही तेजी के साथ जो है ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको जरा हम पैसेज में देखने का प्रयास करते हैं। ये तो एक कॉमन सेंस का आंसर था कि ये जो हमारा प्रावधान है 48A आर्टिकल्स जो है ये हमारे जंगलों को, हमारे वन्य जीवों को, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए है, अगर इसको लागू ना किया जाए तो जाहिर सी बात है ना हमारे जंगल बचेंगे ना हमारे वन्य जीव बचेंगे, और उसी कॉमन सेंस के आधार पर जो है हमने इसका आंसर दे दिया कि अगर द रिजल्ट ऑफ इट्स नॉन इन्फोर्समेंट, अगर इसे लागू नहीं किया जाता दैट द फॉरेस्ट, तो हमारे जो जंगल है ऑफ द कंट्री, हमारे देश के, आर डेवलपिंग एट द वेरी फास्ट एंड, बड़ी ही जल्दी से, बड़ी ही तेजी के साथ नष्ट हो जाएंगे, यही इसका आंसर होता है। लेकिन इसको हम जरा सा पैसेज में देखने का प्रयास करते हैं। तो पैसेज में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे की लाइन बताया गया, बट व्हाट इज द क्रॉस इंग्लिश Anguished is the effect of laws and neither respect or nor enforced in India. यानी बड़ी ही दुख और पीड़ा की बात है कि जितना सम्मान इस अनुच्छेद को हमारे देश में मिलना चाहिए, हमारे संविधान में मिलना चाहिए, वो सम्मान भारत में या उतना तवज्जो इस देश में इस संविधान को नहीं मिला।
रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द आवर पार्लियामेंट एस्टिमेट कमेटी हैज हाइलाइटेड द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट ओवर द लास्ट फोर डिसीज, यानी पिछले चार दशक में रिसेंट रिपोर्ट, एक ताजा रिपोर्ट निकल के आई है हमारे इंडियन पार्लियामेंट में, हमारे संसद में, जिसने प्रकाशित किया है इसकी स्थिति को, हमारे इस एनवायरमेंट स्थिति को, कि इंडियाज अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा, एक बिल्कुल ही सत्य डेटा ये निकल के आया है कि इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 30.7 मिलियन एरियाज एट अ ईयर, यानी लगभग 3.7 एकड़ जो लैंड है हमारी, जो जंगल की, जो हमारे जंगल्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, ऐसा एक अभी हालिया की एक रिपोर्ट में निकल के आया है। एंड लार्ज एरियाज, ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो हमारे जंगल इस स्पीड से खत्म हो रहे हैं। ऑब्वियसली डेजिग्नेशंस एट द फॉरेस्ट लैंड आर रियली ऑलरेडी वर्चुअल ट्रीलेस, और इसी तरह से हमारा जो पोर्शन है, हमारा जो हमारी जो भूमि है वो ट्रीजलेस हो रही है, यानी बिना पेड़ों के हो रही है, वहाँ के जंगल्स खत्म किए जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये इसीलिए है क्योंकि हमारा जो ये अनुच्छेद है 48A, इसके तहत इसको बचाने का, वन्यजीवों को बचाने का प्रावधान है, लेकिन इंडिया में ऐसी या हमारे यहाँ इसको जो है इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, इस अनुच्छेद पे इतने ध्यान नहीं दिया जाता, लोग इसके अलावा इस अनुच्छेद को निग्लेक्ट करते हुए काम करते हैं और लगातार जो है जंगलों की कटाई हो रही है। बस इसी लाइन को हमने अपने शब्दों में वहां पर आंसर में देने का प्रयास किया है, और ऐसे ही आपको भी अपने ज्ञान के मुताबिक अपने शब्दों में यहां से आप आंसर को दे सकते हैं, जिससे आप क्लियर हो सके कि आपकी आंसर देने की या कॉम्प्रिहेंसिव जो आपकी प्रैक्टिस है वो कहीं ज्यादा बेहतर है। चलिए हम इसी क्रम में अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाउ डिड द पॉपुलेशन ऑफ मैनकाइंड ग्रो फ्रॉम द ईयर एट 1800 टिल टूडे एंड हाउ इट इज द अफेक्टिंग सोसाइटी। मैंने बताया था कि आपको कुछ लीड वर्ड्स उठाने हैं, चलिए मैं यहाँ से एक लीड वर्ड्स उठा लेता हूँ, 1800 एंड अफेक्टिंग, ठीक है। अब आते हैं हम अपने पैसेज पे और इस पैसेज में हम इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। पहले वाले हमारे पोर्शन में ऐसा कुछ वर्ड्स तो था नहीं, हम दूसरे अपने पैसेज पे पहुँचते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है 18, यानी दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द इयर्स 1800, लगभग 1800 वर्ष के आसपास, बाय द नियर 19th सेंचुरी या सेकेंड मिलियंस हैज एडेड, लेकिन उसके बाद जो है 19वीं शताब्दी में ये लगभग 2 बिलियन के आसपास ऐड हो गई हमारी जनसंख्या, एंड 20th सेंचुरी और जो हमारी 20वीं शताब्दी थी हैज एडेड अनदर 3.7 मिलियन, उसमें भी 3.7 मिलियन पॉपुलेशंस को ऐड कर दिया। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन एज अगस्त 2016, और जो वर्तमान की हमारी पॉपुलेशन है, हमारी जनसंख्या है अगस्त 2016 के एस्टिमेट के अनुसार एट 7.4 मिलियंस, जो अब बढ़कर, जो हमारी 18 सेंचुरी में थी हमारी मिलियंस 1 मिलियंस थी, वो अब पहुंचकर 7.4 मिलियंस हो चुकी है। एंड एवरी 4 डेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 1 मिलियन, और प्रत्येक 4 दिनों में ये हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, हमारे संसार की जो जनसंख्या है वो 1 मिलियन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहां से हम अपना उत्तर भी पा सकते हैं। हमारा प्रश्न था, हमारा प्रश्न था कि हाउ डिड द पॉपुलेशन ऑफ मैनकाइंड ग्रो फ्रॉम द ईयर 1800 टिल टुडे एंड हाउ इट इज द अफेक्टिंग सोसाइटी। चलिए वहीं से हम उत्तर उठाते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ मैनकाइंड वाज अबाउट 1 बिलियन। जब 18 सेंचुरी थी तो हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन थी इन द ईयर्स 18, एंड 2 बिलियन इज इंक्रीज 1900, एंड 20th सेंचुरी एडेड अनदर 3.7 बिलियन। जो हमारी 1 बिलियन थी हमारी 18 सेंचुरी में, वो 2 बिलियन बढ़कर आपकी हो गई 19 सेंचुरी में, और 20 सेंचुरी में वो बढ़कर हो गई 3.7 मिलियन, एंड टुडे द पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 7.4 बिलियन। और आज की जो करंट जनरेशन हमारी थी, एस्टिमेट था हमारी जनरेशन का, वो 7.4 बिलियन था। दिस पॉपुलेशन ग्रोज हैज अफेक्टेड सोसाइटी बाय डिस्ट्रॉइंग इट्स फ्यूचर, और ये जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है,
हैज अफेक्टेड, वो प्रभावित कर चुकी है सोसाइटी, हमारे समाज को, एंड डिस्ट्रॉयिंग दिस फ्यूचर, और इसके भविष्य को पूरी तरह से वो नष्ट कर चुकी है. विद द रिच गेटिंग रिचर, और जो हमारे बड़े लोग हैं वो बड़े बनते चले जा रहे हैं, एंड द जो पुअर रिमेनिंग द पुअर्टी, और जो गरीब हैं वो लगातार गरीबी की ओर खिसते चले जा रहे हैं. ये पॉइंट्स कहाँ से आया है, ये पॉइंट्स मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ. अगर आप अपने पैसेज को आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका जो पैसेज है उस पैसेज में आपको अगले पोर्शन से मिलेगा द रिचर गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रंस. मीन्स जो बड़े लोग हैं वो बड़े होते जा रहे हैं, एंड द पुअर बिगेट्स चिल्ड्रन. बिगेट्स मीन्स होता है पैदा करना, जन्म देना. जो गरीब लोग हैं वो बच्चों को जन्म देना देते जा रहे हैं. अर्थात इसका लेखक का कहने का तात्पर्य ये है कि विच कंडेम्स द रिमेन पुअर्स, यानी जो गरीब हैं वो लगातार गरीब होते चले जा रहे हैं. मोर चिल्ड्रंस डू नॉट मीन्स मोर वर्कर्स. मोर चिल्ड्रंस होने का मतलब अधिक बच्चे होने का मतलब अधिक वर्कर्स होने से, यानी मेरली मोर पीपल विदाउट वर्क्स, यानी जो ज्यादातर लोग हैं उनके पास काम नहीं है, उनके पास काम नहीं, यानी जो गरीब लोगों के बच्चे हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, तो लगातार उनकी जो संख्या है बेरोजगारों की वो बढ़ती चली जा रही है. और वही यहां पर कहा गया है कि रिचर देन रिचर, द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेट्स चिल्ड्रन, यानी बड़े लोग बड़े होते जा रहे हैं और छोटे जो है गरीब जो है वो बच्चे पैदा करते जा रहे हैं. इसी के आधार पर हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं. हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि व्हाट डू द पुअर रिमेन पुअर. वही जो हमारा तीसरा पॉइंट है, यहां पे मैं लीड वर्ड्स अपना कॉपी कर लेता हूं. रिमेन पुअर, व्हाट इज द रेमेडी सजेस्ट बाय द ऑथर. प्रश्न को पहले समझ लेते हैं ढंग से कि व्हाई डू द पुअर रिमेन पुअर. गरीब गरीब होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है. व्हाट इज द रेमेडी सजेस्ट बाय द ऑथर. रेमेडी मीन्स होता है उपचार. इसके विषय में हमारे ऑथर ने, हमारे लेखक ने हमें क्या उपचार सुझाव किए हैं, यानी हमें इसके विषय में क्या उपचार बताया है. तो चलिए देखते हैं हम इसका आंसर कि द पुअर रिमेन पुअर बिकॉज, जो हमारा गरीब है वो लगातार गरीब होता चला जा रहा है क्योंकि द बिगेट चिल्ड्रन, वो लगातार बच्चे पैदा कर रहा है, अर्थात वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता चला जा रहा है. विच मीन्स इसका मतलब ये है कि मोर पीपल विदाउट वर्क, क्योंकि उसके पास जो उसकी पॉपुलेशन है, उसके जो बच्चे हैं उनके पास काम नहीं है, वो बेरोजगार हैं और उनके पास किसी तरह का कोई वर्क नहीं है. रेमेडी सजेस्ट, और इसका उपचार जो सजेस्ट किया है हमारे ऑथर ने, बाई द ऑथर, इज टू कंट्रोल पॉपुलेशन. और इसका सिर्फ एक ही उपचार है कि हमें अपनी पॉपुलेशन को, हमें अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करना है बाय रिसॉल्टिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी फैमिली प्लानिंग करके हमें अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करना है. और यही एक उपचार है कि हम अपनी गरीबी से अपनी गरीबी में ना बढ़ें और हम अपने काम को करके हम भी रिच बन सकें. तो ये था हमारा क्वेश्चन और इसका आंसर. हम अगले क्वेश्चन को अपने देखते हैं जहां पे लिखा है कि व्हाट इज द ऑथर्स विजन ऑफ द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड्स. व्हाट इज द ऑथर विजन, लेखक का क्या दृष्टिकोण है ऑफ द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड्स, यानी नए संसार को लेकर, नई दुनिया को लेकर, नई दुनिया के लोगों को लेकर हमारे ऑथर का क्या दृष्टिकोण है. चलिए अब इसके लिए हम अपने पैसेज में जाते हैं और यहाँ पे अपना लीड वर्ड उठाने का प्रयास करते हैं, विजन ऑफ एमेरिंग न्यू वर्ल्ड्स. ठीक है, चलिए हम अपने पैसेज पे पहुंचे. सबसे पहले हम अपने पैसेज पे पहुंचते हैं और यहां पर हमने अपने पैसेज को चेंज किया. यहां पर अभी हमको ऐसा कोई भी वर्ड्स नहीं मिला जो हमने वहां पे सेलेक्ट किया है, लेकिन यहां पे हमको अपना वर्ड्स मिल गया है, द एमेरिंग न्यू वर्ल्ड्स विजन. बस इसी वर्ड्स को मैच करा के हम यहां से आंसर उठाने का प्रयास करेंगे और हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं कि द एमरिंग न्यू वर्ल्ड्स विजन हैज अनशीडेड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. यानी जो हमारे नए युग का, हमारे या जो नई दुनिया का जो विजन है, जो दृष्टिकोण है, वो असर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उत्तरदायित्व का युग है. यहाँ पर लोग अपनी जिम्मेदारियों को उठाने का प्रयास करना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझने का प्रयास करना चाहते हैं. इट इज द हॉलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रेदर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ
पार्ट, बस यही हमारा यहां से आंसर हो जाता है और इसी आंसर को हम अपने क्वेश्चन में लिखने का प्रयास करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन कि व्हाट इज द ऑथर विजन ऑफ इमेरिंग न्यू वर्ल्ड्स। द ऑथर विजन ऑफ इमेरिंग न्यू वर्ल्ड्स इज दैट हैज शेयर्ड इन एन इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विजनिंग द वर्ल्ड्स एज द इंटीग्रेटेड इकोलॉजिकल होल्स रेदर देन डिसोसाइटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट। ये था हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो हमने अपने पैराग्राफ से उठा लिया। और इसी क्रम में हम अपने आखिरी उत्तर प्रश्न को देखते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, यहाँ पे कुछ प्रश्न तो आपको सिंपली पूछे गए हाउ व्हाट वेयर जैसे क्वेश्चन वर्ड से संबंधित, जिसके उत्तर आपने इजीली तरीके से अपने पैराग्राफ में अपने लीड वर्ड्स को मैच करा के आपने निकाल दिए। लेकिन यहाँ पे इस टाइप का भी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको जहां से आपको कुछ वर्ड पावर होने की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम ऑफ इम्फेसिस। इस पैसेज में कौन सा ऐसा शब्द है जो इम्फेसिस का मतलब बताता है, यानी इम्फेसिस शब्द का मतलब बताता है। इम्फेसिस का मतलब होता है बल देना। इम्फेसिस का मतलब क्या होता है? बल देना। अब इस पैसेज में अगर मैं बात करूं तो बार बार आर्टिकल 48 ए के जो है प्रावधान पर उसको प्रकाशित किया गया, उसको लागू किया गया, इस तरह की बातें वहां पर हुई हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे पैसेज में इम्फेसिस का क्या सेंटेंस मिलता है, यानी ऐसा कौन सा वर्ड मिलता है जहां पे उसका इम्फेसिस का अर्थ निकलता है। तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारे पहले ही हमारे पैराग्राफ में एक शब्द आपको यहां पे दिया गया है, हाईलाइटेड। क्या दिया गया है? हाईलाइटेड। हाईलाइटेड का भी मतलब होता है प्रकाशित करना, यानी दृष्टिकोण में लाना, और वही इम्फेसिस का मतलब होता है उस पर बल देना। तो ये एक ऐसा शब्द है जहां पर हम कह सकते हैं कि हमारे पैराग्राफ में सेम वर्ड्स है, सेम मीनिंग है हमारे इम्फेसिस का। दूसरा क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द पैसेज इन एंटोनियम्स ऑफ इम्प्रूविंग। इम्प्रूविंग का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज को इम्प्रूव करना। अब इसका जो हमारा दूसरा शब्द होगा वो हमारे पैराग्राफ में ही होगा, तो वहां पे हमने देखा होगा कि हमारे पहला आंसर तो हमारा हो गया हाईलाइटेड, और तीसरा हमारा जो शब्द है वो है डिस्ट्रॉयटिंग। यानी डिस्ट्रॉयटिंग मतलब होता है नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉइंग मतलब होता है नष्ट कर देना। तो ये इम्प्रूव मतलब बढ़ाना और डिस्ट्रॉइंग मतलब होता है नष्ट कर देना। तो दूसरा शब्द हमारा ये हो जाएगा जो एंटोनियम्स है हमारे इंप्रूविंग वर्ड्स का। और इसी क्रम में जो तीसरा प्रश्न पूछा गया कि विच वर्ड इज द सिनोनिम्स ऑफ ट्रांसेंडिंग। ट्रांसेंडिंग का मतलब होता है उत्कृष्ट होना, बड़ा होना, उच्च पे होना। चलिए इसका सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो इसका सिनोनिम्स हम लिख सकते हैं कि ओवरशैडोइंग। ओवरशैडोइंग का मतलब ये होता है उत्कृष्ट होना, और इस तरीके से इसके जगह पे आप ओवरटॉप भी लिख सकते हैं, ओवरटॉप भी आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न होते हैं जहां पर आपको वर्ड पावर की जरूरत पड़ती है, और वर्ड पावर के बिना आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप जब तैयारी करते हैं अपने एंटोनियम्स के, सिनोनिम्स की, एडम फ्रेजेस की, तो वहां पे आपका वर्ड पावर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और वर्ड पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। यानी अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी आपको जाननी है, तो उसके लिए आपको आपके पास वर्ड पावर का होना बहुत जरूरी है। चलिए मिलते हैं फिर एक नए सेशन में एक इससे भी अच्छी चीज़ ला के जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ज़्यादा अंक दिला सके। थैंक यू।